डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो चलिए सब तो हो चुका है, अब हम लोग थोड़ा सा अपना डेबिट कार्ड, जो पेटीएम का डेबिट कार्ड आपने बैंक अकाउंट तो खोल लिया है, अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बार में क्लिक करके ऊपर की तरफ कॉर्नर में है वहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो हम फिलहाल बैंक अकाउंट जो खुल चुका है उसका डेबिट कार्ड को हम लेना चाह रहे हैं। तो डेबिट कार्ड के लिए एक नॉमिनल चार्ज आपको लगेगा, फर्स्ट टाइम 120 के आसपास आपका चार्ज लगेगा। अब उसके लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ताकि आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड को, कार्ड तो आपके एप्लीकेशन के साथ रहेगा ही, उसमें से भी आप कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बैंक की तरफ चलते हैं। ये देखिए तो नीचे में बैंक है, इसको ऊपर क्लिक करिए तो ये आपका डेबिट कार्ड है, ये जो वर्चुअली है। अब इसको ऊपर आप जैसे ही आप व्यू CVV और एक्सपायरी डेट को ऊपर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका यहाँ पर ही पासकोड मांगेगा जो ऑलरेडी आप सेट कर चुके हैं पहले से। तो चलिए हमने पासकोड दे के एंट्री कर लिया है और यहाँ पे देखिए आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड नंबर और ये आपका ऐप्स में तो दिख ही रहा है, रुपये डेबिट कार्ड है प्लेटिनम। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको आप ऑर्डर करना तो आप आराम से इसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ताकि वो आपको मिल जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए इसके लिए आपको रिक्वेस्ट भेजना है। नीचे के पीछे की तरफ हम चलते हैं, यहाँ से हम बैंक में चलते हैं, इसके लिए हम डेबिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। देखिए डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे इसके नीचे में देखिए आपको रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, बस यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये आपका डेबिट कार्ड है और यहाँ पर आप डिलीवरी एड्रेस को चेक कर दीजिए, आपको आपका एड्रेस में ये मिल जाएगा, 120 रुपये के आसपास इसमें कटने वाला है। तो यहाँ पे जाने के बाद और नीचे में प्रोसीड टू पे में हम क्लिक करते हैं, ये प्रोसीड हो रहा है, फ़िलहाल आपको रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है, प्रोसीड हो रहा है। पेटीएम अवेलेबल बैलेंस आपका 255 है, यूज़ पेटीएम बैंक अकाउंट, ठीक है, अवेलेबल जीरो। बैंक अकाउंट में एक्चुअली अभी पैसा नहीं है तो हम वॉलेट से ही करना चाहेंगे। चलिए यहाँ से हम पे नाउ में क्लिक करते हैं, ट्रांजैक्शन हो रहा है और सक्सेसफुली हमारा पेमेंट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आपके सामने मैसेज वगैरह भी आ जाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन हो चुका है इतना बजे और आपको बाय कोरियर आपके पास पेटीएम बैंक का डेबिट कार्ड आ जाएगा, उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत जगह में अभी पेटीएम का ऑफिशियली मैंने ऑफिस भी खुलने वाला है बैंक के शक्ल में, ठीक है। अब नीचे पीछे की तरफ देखिए हमारा एक नोटिफिकेशन आ गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आपका ईमेल भी आ चुका है और मैसेज भी आ चुका है जहाँ लिखा है वो ऑर्डर प्लेस्ड पेटीएम बैंक डेबिट एंड एटीएम कार्ड ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, ऑर्डर प्लेस्ड इतना तारीख और डेबिट कार्ड एटीएम इतना डिलीवर, ठीक है। और इस एड्रेस में आएगा तो बस इसी तरह से आपको डेबिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट भेजना है और पेमेंट करके उसको मंगवाना है।